नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त राकेश चौधरी रसीला आज आपके बीच। आज बहुत ही अच्छा मौका और बहुत ही शुभ दिन, 15 अगस्त रक्षाबंधन दोनों साथ में आया, तो बहुत ही अच्छा शुभ दिन मैं मान रहा हूँ। मैं क्या मान रहा हूँ, आप सभी लोग मान रहे हैं चीज़ों की, दो दो त्यौहार एक साथ हम लोग मना रहे हैं। मेरा लाइव आने का मतलब ये था कि हमारा मकसद ये था कि हम लोगों ने जो स्टूडियो राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो भेंदर में खोला हुआ था, अच्छा रिस्पांस मिला वहाँ पे हम लोग को, बट दिक्कतें काफ़ी आने लगी वहाँ पे, बारिश का पानी अंदर, फिर वहाँ पे पानी का सुविधा नहीं, शुद्ध, तो काफ़ी दिक्कतें हम लोगों ने झेला वहाँ पे। तो हमारे मित्र राय साहब सिंह जी और मैं और हमारे मित्र चौहान चिंगारी जी ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग कि अब ये चीज़ थाना में किया जाए, क्योंकि बहुत सारे कलाकार जो होते हैं थाना में, जो उनको काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था, तो मैं उस चीज़ के लिए, उन सिंगरों के लिए सुविधा यहाँ पे किया कि हम लोग थाना में खोले। और वहाँ के जो हमारे मित्रगण हैं, जो हमारे सिंगर आ रहे थे वहाँ पर, वो तो आएंगे, कांटेक्ट में भी हैं, और मैं जो नए कलाकार जो मुझे देख रहे हैं सुनेंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप सब भी एक बार आइए, क्योंकि हम लोग वहाँ से काफ़ी अच्छा डेवलप किया हुआ है, मशीनरी हमारी चेंज हुई है और सिस्टम चेंज किया हम लोगों ने। तो मैं अब तक मैं आपको कुछ नहीं बोल पाऊँगा, उसके पहले मैं आपको सिस्टम दिखाऊँगा मेरा, और आप खुद हमें एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तो दोबारा आना, क्योंकि किसी के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है। तो मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा दोस्तों, थाना बेस से 5 से 7 मिनट की दूरी पे है ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन है, मेन रोड पे है, नो दिक्कत किसी चीज़ का, सब चीज़ का सुविधा उपलब्ध है, हम लोगों ने यहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध किया है, और जल्दी उद्घाटन हम लोगों ने किया, सभी को निमंत्रण किया था, बहुत सारे लोग आए थे, और जो है कुछ लोग जो नए थे वो नहीं आ पाए क्योंकि उनसे कांटेक्ट कम हो, लेकिन बाद में फ़ोन बहुत सारा आना चालू हुआ, तो उनको भी मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लोग भी आए, और नए कलाकार जो नहीं है हमसे नहीं जुड़े, एक बार मिलेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, नए पुराने हमारे मित्र जो भी हैं, एक बार आए और यहाँ का एक्सपीरियंस लें, और अच्छा सिस्टम हम लोग ने यहाँ पर लगाया है, कम खर्चे में अच्छा काम, अगर सेटिस्फेक्शन हो रहे तो ही हम आपका काम करेंगे, नहीं तो और नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब तक आप खुद से सहमत नहीं हो जाए कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट अच्छा हुआ, तब तक आगे काम करके मत। मैं ज़्यादा तो बोल नहीं सकता मोबाइल पे, बस इतने ही बोलूँगा, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी है, फेसबुक पे भी अपलोड हुआ है हमारा नंबर, कार्ड भेजा हुआ है लोगों के पास, कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो हम लोगों ने 1 साल के अंदर काफ़ी अच्छा डेवलप किया है, हम लोगों ने ऐसा नहीं है कि नहीं किया, काफ़ी अच्छा हम लोगों ने मार्केट में अपना एक वैल्यूएशन बनाया है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आए और एक बार जरूर यहाँ का जो हमारा सिस्टम है यहाँ लाभ उठाएं, और आप लोग का बेसब्री से मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। आइए मैं आपको थोड़ा अपना सिस्टम दिखा देता हूँ, और उसके बाद हमारे मित्र जो हैं, जो वहाँ के निर्माता जी हैं, उनसे मिलाऊँगा, हमारे सहयोगी जो चंद्रमान चिंगारी जी जो कि काफ़ी अच्छे सिंगर हैं, उनसे मिलाऊँगा। आइए मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम दिखाऊँगा, हालाँकि मेरा सिस्टम कांच के अंदर है, थोड़ा सा धुंधला आएगा क्योंकि हम फ्रेम में आकर काम करना चाहिए, आपको मैं दिखाता हूँ मेरा यहाँ पे। अब आकर के एक बार हमारा सिस्टम देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसमें अलग किया है, थोड़ा और अलग करके सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए। आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि हम लोग जो सिंगर नहीं गा पाते उनको रिवाइज करवा करके हम लोग उनको रिकॉर्डिंग करवाते हैं, तो हमारे पास सब इंस्ट्रूमेंट का भी व्यवस्था है, और मशीनरी हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, भाइयों आओ और हमारे स्टूडियो का मान सम्मान बढ़ाइए, अच्छा गा करके अच्छा रिकॉर्ड करके लेके आइए। हमारे बीच चंद्रभान चिंगारी जी हैं जो अच्छे सिंगर हैं, हमारे सहयोगी भाई हैं, तो मैं इनसे भी दो लाइन बोलने को कहूंगा, दो लाइन बोलिए सर। जितने सिंगर हैं थाने से बाहर हों या थाने में हैं, अगर उनको एक बार आकर के आप सिस्टम देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम हो चुका है यहाँ पे,
चूंकि आपको क्वालिटी दी जाएगी, अच्छे से अच्छे क्वालिटी दी जाएगी, और यहाँ पे हर चीज़ को प्रेस्टी करा करके उसके बाद फिर आपका सिस्टम होगा, जिसमें मैं चाहूँगा, सबसे प्रार्थना करूँगा कि एक बार जरूर अवश्य आइए। और बस जैसे भाई साहब ने बोला, 10 से 5 मिनट का अपना यह है, तो एक बार जरूर आइए और आकर के जो भी अपना कला है उसको प्रदर्शन कीजिए, अपना अच्छे से क्वालिटी बनाकर मिलेगा आपको। हम लोग तरफ से पूरा कोशिश रहेगा कि आपकी क्वालिटी अच्छे से अच्छे दिया जाए, बस यही मैं कहना चाहूँगा, लेकिन अवश्य आइए। और भाइयों, कम खर्चे में अच्छा काम, जो कि हम लोग खूब ही बोलते थे, कम खर्चे में अच्छा काम आप लोग को मिलेगा, एक बार जरूर सेवा का अवसर दें। मैं थोड़ा सा आपको सिस्टम मेरा दिखाना चाहूँगा, तो आइए आपको देखते दिखाते सिस्टम। हम दोनों दो पीसी रखा हुआ है, यामाहा का SC7 मॉनिटर है हमारा, सिस्टम हम लोग का है, मिक्सर हमारा, और हम लोग कीबोर्ड नॉर्मली रखा, बट हम लोग यूज करते समय अच्छा कीबोर्ड यूज करते हैं। और हमारा पीछे जो हम लोग जिससे रियाज करवाते हैं, मैं वो भी दिखाना चाहूंगा। एक मिनट रुकिएगा आप लोग, खाली आपको भी दिखाता हूँ। पुश करिए, वहां से पुश कर दीजिए, ऊपर ऊपर ऊपर, यस। आइए दोस्तों, ये हमारा वेटिंग रूम है, मैं आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए हमारा वेटिंग रूम है, वहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, और छोटा सा मंदिर भगवान का है। ये हमारा वेटिंग रूम है, ये हमारे कांच के अंदर है, जो कि बाहर इसका इफेक्ट नहीं आता है, जो भी है इन हाउस होता है। हम जैसे आप लोगों को दिखाए, हमारा जो मशीनरी है पीछे से दिखा रहे हैं, ये पीछे का मशीनरी हमारी, यहाँ पे हमारे जो हमारी टीम के मेंबर्स हैं उनके फोटोज लगे हुए हैं। और ये हमारा क्रोमा सेट है, हम लोग एक क्रोमा सेट बनाया गया है, इसको इसने तो क्रोमा सेट बनाया कि बहुत सारे सिंगरों का ये था कि जिन्हें नहीं पैसे खर्च करना होता है, उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, उनके लिए खास करके क्रोमा सेट बनाया है कि यहाँ पे हम लोग लिफ्टिंग लेते हैं और उनका वीडियो इमेजेड क्रोमा टाइप बनाते हैं। तो ये हमारा क्रोमा सेट है, आप ये भी देख लीजिए, ये क्रोमा सेट हम लोग बनाया है। अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ है, बट जब हम लोग शूट करना होता है तो उसको कर दिया। हमारा वेटिंग रूम है, ये हमारा हमारे कस्टमर के लिए ये सोफा है, किसी चीज का दिक्कत नहीं होती है, और जो भी होता है हम लोग का। हम ये अपना आ गया वोकल रूम, जिसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, साउंड प्रूफ वोकल रूम है। यहाँ से अंदर अगर देखेंगे हम लोग अपना सिस्टम, तो ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो सिंगर गाते हैं, ये एडजस्टमेंट किया था हम लोगों ने, लाउड इसमें लाइव कर रहे थे इसलिए एडजस्ट किए थे इसमें। तो ये थोड़ा सा बिखरा हुआ है, लाइव परफॉर्मेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग लाइव करवा रहे थे। तो ऐसा हमारा सिस्टम है दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोग को ये सिस्टम पसंद है। हमारे मित्र जो है यहाँ के निर्माता जी हैं, राय साहब सिंह जी, आप लोग से 2 बार बोलेंगे। नमस्ते, हम भाइंडर से शिफ्ट करके राम रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो है हम लेके आ चुके हैं, थाना में, वागले स्टेट थाना, नियर आसर IT पार्क, जस्ट हमारे बाजू में वागले पुलिस चौकी, वहीं पे हम डाले हैं। हमारे थाना के जितने सिंगर थे
उनको बहुत तकलीफ होती थी जाने में, इतने दूर का सफ़र करने में भाईंदर, तो बहुत सारी तकलीफें देखते हुए हमने यहाँ पर चले आए हैं हम लोग। और हमारे साथ में राकेश भाई चौधरी जी और चंद्रभान चौहान जी, हम लोग एक टीम से जुड़े हुए होकर ही काम करते हैं। जो भी रहता है हम लोग राकेश भाई से ही मिलके ही काम करते हैं, मैनेजमेंट राकेश भाई ही संभालते हैं, जैसे वो बोलते हैं उसी आधार पर हम लोग चलते हैं। और आप लोग आइए, अपना सॉन्ग कीजिए, क्वालिटी देखिए, फिर आप जैसा बोलेंगे फिर हम वैसा करेंगे। आइए भाई, मैं थोड़ा सा एक बड़ा सिस्टम दिखा दूं आप लोग को बाहर से। ये बाहर से सिस्टम ऐसा दिखता है, और दोस्तों यहाँ से वोकल रूम ऐसा दिखता है जो सिंगर भाई गाते हैं, यहाँ से ऐसा दिखते हैं। बस दोस्तों आप लोग से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार ज़रूर आए, आपको अच्छा लगे तो आप वापस गाना गवाएं और गाएं, और अगर हमारी चीज़ हम आपको पसंद नहीं आती तो आपके लिए हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। सो एक बार रिक्वेस्ट है आप लोग से दोस्तों, एक बार आइए आप लोग। और यहाँ का हमारे यहाँ पे ऑफर भी चल रहा है, कम से कम खर्च में आप लोग का आईडी और वीडियो दोनों रिलीज करवाएंगे हम लोग। सो आप लोग आकर के, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग आइए एक बार और सेवा का अवसर दीजिए, ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।